हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस बार मैं फिर से लेके आई हूँ एक बड़ा सा मिंत्रा हॉल। ये हॉल मेरे लिए बहुत स्पेशल है और फेवरेट है बेसिकली, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारा ऐसा सामान मंगाया है जो कि मुझे बहुत टाइम से लेना था, जैसे कि एक प्लीटेड स्कर्ट, कुछ ड्रेसेस और एक ब्लैक टॉप, जैसे कि ये एक स्नीक पीक। ये वाला हॉल मेरा बहुत फेवरेट है, मुझे इसका सारा सामान मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको भी कुछ ना कुछ अच्छा लगे और पसंद आए। तो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं मेरे फेवरेट प्रोडक्ट ऑफ द हॉल से, वो की है ये रेड पैंट सूट। तो ये इमारा का पैंट सूट है। एक्चुअली मेरे पास एक पंजाब की फुलकारी चुन्नी है क्रीम कलर की, जिसके साथ मुझे मैच करने के लिए एक रेड सूट चाहिए था। और मैं बहुत टाइम से ढूंढ रही थी कि कोई प्लाजो सूट मिल जाए, कोई सलवार सूट मिल जाए या कोई पैंट सूट मिल जाए। तो ये मुझे मिला है, बहुत ही प्यारा, इसका स्टफ बहुत प्यारा है। तो पहले स्टार्ट करते हैं कि ये देखते हैं कि ये सूट कैसा है। तो एक प्लेन रेड सूट है जिसकी स्लीव्स 3/4 है और इसमें ये गोल्डन गोटा पत्ती वर्क है। तो इसका गला प्लेन है और जरा सी गोल्डन इसमें पाइपिंग हुई है, 3/4 स्लीव्स अगेन, और ये पूरा नी लेंथ तक जाता है और नीचे भी इसके बॉर्डर पे गोटा पत्ती वर्क है। तो बहुत ही प्यारा सूट है, इसका मटेरियल बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा कॉटन मटेरियल है इसका। और नीचे इसके साथ है पैंट जो कि पीछे इलास्टिक है, पैंट है और इसमें पॉकेट्स नहीं है। तो इसका पैंट स्ट्रेट पैंट है बिल्कुल, और नीचे भी इसका गोटा पत्ती वर्क है। अगर आपको पैंट में गोटा पत्ती वर्क नहीं अच्छा लगता है तो आप इसके फोल्ड भी कर सकते हो। तो इसमें एक इशू है इस ब्रांड के इस प्रोडक्ट में कि इसका जो ये थाई पोर्शन है पैंट का, ये काफ़ी टाइट रहेगा आपको। जैसे मैंने इसका मीडियम साइज मंगवाया था तो वो मुझे मीडियम साइज फिट था, बट इसकी पैंट बहुत टाइट थी। तो मैंने क्या किया है कि मैंने इसको एक्सचेंज करा के लार्ज साइज मंगवाया है। तो इसकी शर्ट मैं ऑल्टर करवा लूंगी ऊपर से, बट ये पैंट मुझे फिर इस बार फिट आ गई है। और नीचे गोटा पत्ती मेरे को थोड़ी सी लंबी पड़ रही है, तो आई एम थिंकिंग कि मैं इसको थोड़ा सा ऑल्टर करवा के फोल्ड कर लूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर ये एथनिक हो जाएगा। तो दिस इज़ माय फेवरेट पीस, बहुत अच्छी क्वालिटी है, ये इमारा ब्रांड का है। मेरा साइज इसमें वैसे मीडियम है, बट पैंट की वजह से मुझे ये लार्ज लेना पड़ा। और इसका प्राइस है, ऑल्दो मैंने ये सारे डिस्काउंट्स में लिए हैं, इसका प्राइस है 2799, बट मुझे अप्रॉक्सीमेटली 1200-1300 का ये पूरा सेट पड़ गया था डिस्काउंट में। तो दिस इज माई फर्स्ट एंड ओनली सूट आई हैव ऑर्डर्ड। नेक्स्ट कम्स द टॉप। आई हैव ऑर्डर्ड ओनली टू टॉप्स। तो एक मैंने मंगवाया है ये ब्लैक टॉप, जिसका ऐसे गला बंद करके डिज़ाइन है, इसकी ऐसी रपल स्लीव्स हैं, मैश टाइप का स्टाइल है इसमें, ऐसे छोटे छोटे डिज़ाइंस दिए हुए हैं। और यहाँ पे सारी ब्लैक में ये कलरफुल एम्ब्रॉयडरी है, ये बहुत प्रीटी लगता है पहना हुआ। इसमें मेरा साइज मीडियम है और ये मुझे अप्रॉक्सीमेटली 500-600 का पड़ा है आफ्टर डिस्काउंट। तो इसका मैंने टैग उतार दिया क्योंकि मैं इसे एक बार पहन चुकी हूँ, तो मैं सब ये डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी कि कौन से कितने का पड़ा है मुझे। बेसिकली हड़पा ब्रांड का है ये मीडियम साइज में। तो ये बहुत प्रीटी लगता है, पीछे इसमें बटन दिया हुआ है, और जिनकी अगर बाजू थोड़ी सी हैवी रहती है तो उनके लिए स्लीव्स बहुत अच्छी है, बहुत प्रीटी लगता है पहना हुआ ये। तो ये गोल ऐसे गले में आ जाएगा और ऐसे पीछे टाई हो जाएगा बटन से, बहुत प्रीटी लगता है ये पहना हुआ। तो दिस इज फर्स्ट टॉप। सेकेंड वन मैंने ट्राई करने के लिए मंगवाया था ये, दिस इज फ्रॉम ब्रांड स्ट्रीट 9, कोई नया ब्रांड है, मैंने पहली बार ट्राई करने के लिए मंगाया है ये कैमी टॉप टाइप। तो इसकी स्लीव्स ऐसी हैं और ये थोड़ा सा पेपलम टॉप टाइप है, यहाँ तक ये टाइट रहेगा और उसके बाद ही पेपलम आ जाएगा। बट ये थोड़ा सा मुझे डीप लग रहा है, तो मैं इसको सोच रही हूँ कि रिटर्न कर दूँ, क्योंकि आगे से भी डीप है और पीछे से भी काफ़ी डीप है। तो मैं अभी ऐसे ये वाला नहीं पहन पाऊंगी टू बी फ्रैंक, तो मैं ये वाला टॉप रिटर्न कर दूंगी। बट इसका कलर बहुत प्रिटी है, स्टफ बहुत अच्छा है, थोड़ा सा स्ट्रेची भी है, थोड़ी सी लीन गर्ल्स जो इसको कैरी कर सकती हैं उनके लिए बहुत प्रिटी है, जो क्रॉप टॉप पहन सकती हैं, ये सब बहुत प्रिटी टॉप है। तो नेक्स्ट चलते हैं प्लीटेड स्कर्ट्स पर। तो ये प्लीटेड स्कर्ट्स जो मैंने मंगवाई हैं, दो स्कर्ट्स मंगवाई हैं क्योंकि मुझे ट्राई करने थे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स। तो सबसे पहली प्लीटेड स्कर्ट है ये मरून कलर की, ये पूरी फ्लोर लेंथ तक,
पूरे पैरों तक आएगी ये प्लीटेड स्कर्ट। इसमें कुछ सिंपल सी प्लीटेड स्कर्ट है, स्कर्ट है और यहाँ पे एक इलास्टिक दिया हुआ है। इसमें मेरा साइज है मीडियम, इसको कौन सा साइज है मेरा, हाँ मीडियम है और ये ब्रांड है सासा फराज। ये वाली स्कर्ट है 1599 की और ये मुझे अप्रॉक्सीमेटली 600 या 700 की पड़ी है आफ्टर डिस्काउंट। तो ये है फुल लेंथ स्कर्ट, इसको आप किसी के साथ भी पेयर कर सकते हो, ब्लैक टॉप के साथ या किसी भी चीज के साथ या व्हाइट टॉप के साथ। बट मैं क्या कर रही हूँ कि मैंने दूसरी जो स्कर्ट मंगाई है सेम आई थिंक सासा फ्राइड ब्रांड से ही, हाँ तो सासा फ्राइड से ही दूसरी स्कर्ट आई है, सेम इलास्टिक बैंड है इसका, बट ये थोड़ी सी ब्लू कलर में है और प्लीटेड है और इसका लेंथ है नी लेंथ। तो ये मुझे पहनी हुई बहुत ही अच्छी लग रही थी अपने ऊपर, नी लेंथ, ये थोड़ी नी से नीचे आएगी तो ये परफेक्ट है किसी भी ओकेजन में पहनने के लिए, मॉल जाना है, इधर थोड़ी छोटी मोटी पार्टीज, बर्थडेज। तो मैं क्या सोच रही हूँ कि इसको इस ब्लैक टॉप के साथ पेयर किया जाए, तो ब्लैक टॉप के साथ ये ब्लू कलर बहुत अच्छा जा रहा है और ब्लैक इसका जो इलास्टिक बैंड है वो भी कवर हो जाएगा और नी लेंथ तक ये स्कर्ट हो जाएगी, बहुत बढ़िया लगेगी। तो प्लीटेड स्कर्ट्स का आजकल फैशन है तो मैंने कहा एक चीज़ ये भी ट्राई करी जाए। तो दिस इज अ वेरी गुड स्टफ, बहुत अच्छी स्कर्ट है। इसका प्राइस है 1499, बट ये मेरे को डिस्काउंट में मिली है अप्रॉक्सीमेटली 500-600। तो ये फ्लोर लेंथ है, मतलब पूरी लेंथ की स्कर्ट है, तो मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा कि मैं इसको किसके साथ पहनूं। थोड़ी सी मेरे ख्याल से जो जिनकी अच्छी हाइट होती है, मैं जस्ट 5'2" हूँ, तो जो लंबी लड़कियां हैं आई गेस उन पे ये फ्लोर लेंथ स्कर्ट बहुत अच्छी लगेगी। तो ये थी मेरी दो स्कर्ट्स। अब नेक्स्ट हम जाते हैं ड्रेसेस सेक्शन में। तो ड्रेसेस मैंने मंगवाई हैं तीन, तो देर आर थ्री ड्रेसेस, टू आर माई फेवरेट्स, एक तो मैं पहन भी चुकी हूँ और ये थोड़ी सी मुझे ओके लगी, आप भी बताना आपको कैसी लगी। तो दिस इज वन ड्रेस, दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल, देखूँ मैं कौन से ब्रांड की, ये कोई प्लसेस ब्रांड है और इसमें मेरा साइज है मीडियम। तो ये ऐसी ड्रेस है, सिंपल प्लेन ड्रेस है, राउंड नेक है इसकी, ये रफल्स दिए हुए हैं स्लीव्स में, रफल्स टाइप की स्लीव्स है। मैं हर चीज की फोटो या कोई वीडियो डाल दूंगी साथ में कि पहना हुआ कैसा लगेगा। ओके, तो ये है एक रफल स्लीव्स और पूरी प्लेन जाती है, यहाँ थोड़ा सा बटन का डिजाइन दिया हुआ है, इसमें कोई बटन्स नहीं है, बटन्स का डिजाइन दिया हुआ है और पूरी ये नी लेंथ तक की ड्रेस है और नीचे भी यहाँ पे रफल्स आते हैं। पहन के उतनी अच्छी नहीं लगी, जस्ट अ वेरी कैजुअल ड्रेस, वेरी कैजुअल। तो मार्केट तक जाना है तो पहन के जा सकते हो, कोई ओकेजन के हिसाब से मुझे नहीं लगा कि किसी ओकेजन के हिसाब से पहनी जा सकती है। कलर इज ऑल्सो ओके, इसके एक दो कलर्स और थे आई गेस, मस्टर्ड येलो शायद एक कलर मैंने देखा था, बट इट विल बी टू ब्राइट, तो मैंने ये कलर मंगाने की कोशिश करी। तो दिस इज द वन ड्रेस, प्रिंटेड ड्रेस, तो मैं इसकी फोटो डाल दूंगी कि आपको पता चल जाएगी कैसी लगती है। नेक्स्ट इज अगेन मेरी बहुत ही जो मुझे पसंद आई, आई वॉन्टेड अ ब्लैक ड्रेस जो कहीं भी कैजुअली पहनी जा सके, तो इसमें बहुत सारी चीजें अच्छी हैं। तो ये सिंपल प्लेन ड्रेस है ब्लैक कलर की, जिसमें यहाँ पे बटन का सिर्फ डिजाइन दिया हुआ है, ऊपर से दो तीन बटन्स खुल सकते हैं। तो ये ऐसी है, ये ऐसे जाती हुई पूरी, ये भी नी से जरा सी नीचे आएगी, नी लेंथ तक की ड्रेस है और यहां से इसका नी से फ्रिल स्टार्ट हो जाता है थोड़ा सा फ्लोई वे में। तो ये फ्रिल, इसके नीचे लाइनिंग भी दी हुई है इन्होंने, तो ये लाइनिंग दी हुई है, तो कोई शेयर नहीं होगा, कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा लगता है पहन के, बिल्कुल पहन के निकल जाओ, कहीं फुटवेयर पहन के बहुत सही लगती है। और उसके लाइनिंग के ऊपर जो कपड़ा दिया हुआ वो ऐसे डिजाइन का है, जैसे थोड़ा सा शेयर है और उसमें बहुत सारे डिजाइन और पैटर्न दिए हुए हैं। तो पूरी ड्रेस ऐसी है, पूरी लाइनिंग ड्रेस के ऊपर पूरा ऐसे शेयर पैटर्न की ड्रेस है और उसकी स्लीव बहुत प्यारी है, स्लीव यहां तक ऐसे आती है और यहाँ पे लाइनिंग खत्म हो जाती है और ये ऐसे इलास्टिकेटेड स्लीव है, बहुत प्यारा लगता है पहना हुआ, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे गोल गले में आएगी ड्रेस पूरी, ऐसे देख लो आप, ये ड्रेस, और बीच में यहाँ पे कमर को टाइट करने के लिए बेल्ट भी है। तो ड्रेस बहुत ही अच्छी, सिंपल सोबर ब्लैक ड्रेस, कहीं भी पहन के निकल जाओ, बस कुछ ड्रेस पहनने का मन है पहने और निकल गए। तो दिस इज वन ब्लैक ड्रेस। लास्ट और मेरे हॉल की ये भी फेवरेट है, आफ्टर दैट रेड सूट,
बहुत ही अच्छी ड्रेस है ये, बहुत ही अच्छी ड्रेस है, बहुत अच्छी लगती है पहनी हुई, कलर बहुत खिल के आता है, बहुत अच्छा प्रिंट है, कलर अच्छा है, साइज सही है इसकी, स्ट्रिप ड्रेस है, स्ट्रिप्स भी बहुत सही हैं, एडजस्टेबल स्ट्रिप्स हैं इसकी, और इसको आप ऊपर कर लो, नीचे कर लो अपने अकॉर्डिंगली, आप नीचे कर लो, ऊपर कर लो, ये भी प्लस साइज कलेक्शन का है और इसमें मेरा साइज है मीडियम। बहुत प्यारी ड्रेस है। अब आप देख लीजिए यहाँ पे साइड में इसमें चेन दी हुई है ताकि आप इसको आपके बॉडी को फिट कर जाए, तो बॉडी में बहुत अच्छी फिट आती है ये ड्रेस। तो या दिस इज द ड्रेस, आगे से ऐसी है, पीछे से ऐसी है, आगे का गला थोड़ा ऊपर है, पीछे थोड़ा सा डीप है, यहां तक आ जाएगा आपको। तो दिस इज द ड्रेस और ये एक ऐसे फ्लोई वे में आती है, बहुत अच्छी ड्रेस है, इसके अंदर लाइनिंग भी है, सिर्फ पहने और निकल गए। नाउ सी द ड्रेस, दिस इज माय फेवरेट, ये मैं पहन चुकी हूँ एक बार इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, बहुत अच्छी लगती है। ए शेप की ड्रेस है, बहुत प्यारी लगती है, बहुत प्यारी लगती है, अच्छी है ना, बहुत प्यारा प्रिंट है इसका, फ्लावरी प्रिंट, गर्ल्स पे वैसे भी फ्लावरी प्रिंट बहुत अच्छा लगता है ऐसा, बीच में ये कमर बिल्कुल फिट आ जाती है और इसमें कोई टमी वगैरह कुछ नहीं दिखता है, बहुत अच्छी ड्रेस है। आई नो मैंने बहुत बार बोल दिया बहुत अच्छी ड्रेस है, क्योंकि मैं इसे पहन चुकी हूँ। सो दिस वॉज माई लास्ट पीस ऑफ द हॉल, तो इस बार का हॉल मेरे को बहुत पसंद आया अपना, क्योंकि इसमें मेरी बहुत फेवरेट ड्रेसेस हैं, बहुत अच्छे टॉप्स हैं और मेरा फेवरेट रेड कलर का सूट है, ब्राइट रेड। तो अब मुझे चाहिए रिव्यू कि आपको कौन सा ड्रेस, कौन सा टॉप या कौन सा सूट बहुत अच्छा लगा मेरे इस हॉल में। अगर आपको कोई स्पेसिफिक और हॉल चाहिए तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं कुछ नायका से प्रोडक्ट्स ऑर्डर करने वाली हूँ, तो मुझे बताइए आपको कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स हैं जिनका रिव्यू करवाना चाहते हैं तो मैं वो ऑर्डर कर लूँ, ठीक है। तो और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू एंड बाय बाय।